शी वॉक्स इन ब्यूटी। तो ये लॉर्ड बायरन की एक शॉर्ट लिरिक पोएम है जिसको उन्होंने आयम्बिक टेट्रामेटर में लिखा है। 1814 में इसको लिखा गया था, 1815 में इसको पब्लिश करवाया गया और लॉर्ड बायरन का ये मोस्ट फेमस वर्क है दोस्तों, कुछ मोस्ट फेमस वर्क्स में से एक है। अब कहा जाता है कि लॉर्ड बायरन ने अपनी लाइफ के एक इवेंट से इंस्पायर होकर इस पोएम को लिखा। ग्यारह जून 1814 में लॉर्ड बायरन ने एक पार्टी को अटेंड किया। वहाँ इनकी मुलाकात होती है इनकी कज़न की वाइफ मिसेस एन से, ये पूरा नाम है उनका। तो उनकी ब्यूटी को देखकर बायरन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और पार्टी की अगली ही मॉर्निंग बायरन ने इस पोएम को कंपोज कर दिया और 1815 में ये पोएम पब्लिश हो गई। इतनी बड़ी पोएम नहीं है दोस्तों, 3 स्टैंजा की पोएम है और इस पोएम में मेनली लॉर्ड बायरन ने फोकस किया है फिज़िकल ब्यूटी पर। इंटरनल वर्च्यू को भी देखा है लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर फिजिकल ब्यूटी पर फोकस किया गया है। शुरू करते हैं, ये फर्स्ट स्टैंजा है तो पहली लाइन में बोलते हैं शी वॉक्स इन ब्यूटी। अब ये बड़ा अजीब तरीका है, बड़ा ऑड मैनर है किसी वुमेन को ब्यूटीफुल बोलने का, शी वॉक्स इन ब्यूटी। इसका मतलब ये है शी इज़ वॉकिंग इन ब्यूटी, मतलब शी इज़ ब्यूटीफुल लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स ऑफ स्टारी स्काइज। इस लाइन का मतलब ये है एक ब्यूटीफुल वुमेन है जो वॉक कर रही है और उसको यहाँ पर लॉर्ड बायरन एक क्लियर नाइट से कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर नाइट का मतलब आसमान में जब बादल नहीं है, क्लाउडलेस है ये नाइट और सिर्फ यहाँ पर स्टार्स चमक रहे हैं, आसमान में सिर्फ फुल ऑफ ब्राइट स्टार्स हैं। तो ये रात जितनी ब्यूटीफुल लग रही है उतनी ही ब्यूटीफुल ये वुमेन लग रही है। एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आइज, मतलब उसके ऊपर एक ब्राइट मतलब बहुत ही क्लियर लाइट भी पड़ रही है और डार्कनेस शेड भी गिर रही है, दोनों एक साथ गिर रहे हैं, है ना, उस वुमेन की अपीयरेंस पर, खास करके पर्टिकुलरली उसकी आँखों में, उसकी आँखों में ये लाइट गिर रही है, लाइट और डार्कनेस दोनों साथ में। दस मेलॉड टू द टेंडर लाइट विच हैवन टू गॉडी डे डिनाइज, इसका मतलब ये है कि इस टाइप की जेंटल लाइट मतलब एकदम सही लाइट पड़ रही है, इस टाइप की जेंटल लाइट हैवनली होती है, एकदम सही तरीके से पढ़ने वाली लाइट हैवनली होती है और हेवन खुद भी इस टाइप की ब्यूटीफुल लाइट को दिन के टाइम पर, दिन का टाइम जो गाड़ी होता है मतलब भड़कीला सा होता है, उस टाइम पर पढ़ने के लिए हेवन भी मना कर देता है इस टाइप की लाइट को। कहने का मतलब दिन के टाइम पर कभी ऐसी लाइट नहीं पड़ती, परफेक्ट लाइट पड़ रही है उसके ऊपर। वन शेड द मोर वन रे द लेस हैड हाफ एम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रेस और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस। कहने का मतलब उस वुमेन के फेस पर एकदम सही लाइट पड़ रही है, थोड़ी सी भी शेड पड़े या फिर एक लाइट की रे उस पर एक्स्ट्रा पड़े तो उसकी ब्यूटी इससे कम हो जाएगी, उस वुमेन की ब्यूटी इससे कम हो जाएगी। और इस नेक्स्ट लाइन का मतलब यह है कि उस वुमेन की ब्यूटी जिसे लफ्ज़ों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है, और नेक्स्ट लाइन का मतलब यह है कि उसकी ब्यूटी उस वुमेन के बालों के हर एक किनारे में दिख रही है और बड़ा जेंटली उसके फेस पर ये खूबसूरत उसके बाल आकर गिर रहे हैं। इन 4 लाइनों का मतलब ये है, वेयर थॉट सरेनली स्वीट एक्सप्रेस हाउ प्योर हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस। इन 2 लाइनों का मतलब यह है कि उसके फेस पर एकदम एंजल वाले इमोशंस हैं जो ये बताते हैं कि वो कितनी प्योर और प्रेशियस है। इन नेक्स्ट लाइन्स में पॉइंट बोलते हैं, एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो सो सॉफ्ट सो काम येट एलोक्वेंट द स्माइल दैट वेन द ट्रेंड्स दैट ग्लो बट टेल ऑफ डेज एंड गुडनेस स्पेंट अ माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो अ हार्ट हुज लव इज इनोसेंट। तो इन लाइनों का मतलब ये है कि उस वुमेन की गाल और फॉरहेड सॉफ्टली और कामली नोटिस करने को मजबूर करते हैं, उसकी ये विनिंग स्माइल, ग्लोइंग स्किन टोन, यहाँ पर दोस्तों टेंट्स का मतलब है उसकी रंगत, कलर, स्किन का रंग, जो ये चीज़ दिखाती है कि वो वुमेन अपना ज़्यादातर टाइम गुडनेस में गुजारती है, उसके पास एक पीसफुल माइंड भी है और एक इनोसेंट और लविंग हार्ट भी। कहने का मतलब यहाँ पर पॉइट उसकी फिजिकल ब्यूटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं और एंड में इस पोएम के एंड में उसके हार्ट की, उसकी माइंड की तारीफ करते हैं। तो यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही।